गाजियाबाद पर एक अहम मुद्दे पर आपसे बात करनी है आज जो है। साथियों, मेरे हाथ में एक ज्ञापन है जो अर्थला के निकट, अर्थला में रेलवे लाइन के निकट एक कॉलोनी बसी हुई है जिसको नगर निगम के द्वारा जो है तोड़ा जा रहा है, और इसको लेकर के आज जो है मोहन नगर नगर निगम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया गया दलित सेना के द्वारा। और भाई रामविलास पासवान जो संस्थापक है इस दलित सेना के, और इसमें सच्चिदानंद साधु जी के द्वारा जो है इनके 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 बैनर तले जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। आज हमने एक क्लिक बनाई है, अगर नगर निगम को चाहिए कि जो है कम से कम 20 का समाधान निकाले ताकि गरीब जो वहाँ के गरीब जनता है जो वहाँ पर बसी हुई है उनके जो घर वगैरह हैं वो न टूटे, क्योंकि एक गरीब आदमी जो है कैसे कैसे अपना घर बनाता है, कैसे पैसे जोड़ करके थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के अपना घर बनाता है, ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। तो नगर निगम और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें कम से कम 20 का रास्ता निकाले ताकि जो गरीब जनता का घर है वो न टूटे। और इसमें हमने क्लिप वहां की बनाई है जिसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे जो ज्ञापन दिया गया है अधिकारियों को, ये आपके साथ सामने है, जिला अधिकारी को भी दिया गया है और नगर आयुक्त को भी दिया गया है, इसमें आपको दिखा देता हूँ। साथ ही एक ज्ञापन और है जो दिया गया है, ये भी है जो अधिकारियों को दिया गया है। बाकी आप एक क्लिप जो हमने वहां पर धरना प्रदर्शन की बनाई है उसे आप देखें और समझें। धन्यवाद। नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हमारा गाजियाबाद पर। दोस्तों, इस समय हम लोग मौजूद हैं मोहन नगर नगर निगम के ऑफिस के बाहर और यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो इस बारे में आइए बात करते हैं। जी सर, धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सर, हम इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ के प्रशासन हम लोग के सियाना बने बनाए तोड़ने जा रहा है। अभी 24 अगस्त को यहाँ से गया था लोग तोड़ने के लिए, लेकिन अब क्या कारण है कि आपस आ गया लोग, लेकिन वो लोग 15 दिन के टाइम दे के गए हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई, हम जब 2001 में मकान बना रहे थे, सभी लोग रजिस्ट्री तरह तरह के अपनी अपनी मकान बनाए हैं, बिजली लगवाए हैं, पानी है, सब कुछ है, लेकिन उस समय ये लोग कहाँ थे? उस समय इनकी कहाँ था, नगर निगम कहाँ थे? 2010 में हमने नगर निगम का ऑर्डर कराए हैं कि अपनी जमीन पर अपना बोर्ड लगाइए। 2011 में जिला अधिकारी नगर निगम को सूचना दिए हैं कि आपके कहाँ जमीन है, अपना बोर्ड लगाइए, लेकिन ये लोग कोई कार्रवाई नहीं किया। लोग हमने जाके कार्यालय में समय समय पर रिसीविंग करा के आए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब जब हमारे गरीब जनता ने वहाँ पर अपने अपने सियाना बना लिया खून पसीना के कमाई से, तब तो वहाँ ये लोग बुलडोजर लेके जाते हैं कि मकान खाली करो, इसको हम तोड़ देंगे। वो लगभग 6 बजे आसपास है। हम चाहते हैं यही कि हमारे मकान को सस्ते रेट, जो पहले निगम ने 72 समय पर्ची काटती थी और बाद में कुछ ऐसा है कि 28 करके 15,000 रुपया सुन रखा था, तो हमारे जो भी सस्ते रेट थे, जुर्माना ले लिया जाए, मेरा हाउस टैक्स लगा दिया जाए, मेरा एसियाना के वहीं रहने दिया जाए, हमें नियमितीकरण कर दिया जाए, हाउस टैक्स लगाने वास्ते ठंडा नाली पानी जो भी जन सुविधा है वो हमारे सब लोग को मिलना चाहिए। वेरी गुड दी बॉय। साथियों, आप लोगों ने देखा कि जो है यहाँ पर जो है पूरा एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है और अपनी अपनी मांगों को लेकर लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को और ये नगर निगम को चाहिए कि इन समस्याओं पे ध्यान दें और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।